हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक सिद्धार्थ ट्रेडर एस एम न्यू लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है 200 पॉइंट का, और निफ्टी फिफ्टी देखें तो लगभग 60 पॉइंट का लॉस दिखा रही है, जिसमें हम लोग इसमें पुट बॉय के हैं। आप लोगों को चलो पोजिशन दिखा देता हूँ। तो गाइस, हम लोग पुट बॉय के हैं, जिस पोजिशन देख रहे हो अभी 200-300 प्रॉफिट देकर इसने, हम लोग इस स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस रखने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये देख लो 31 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, लगभग लगभग 20 पॉइंट के ज़्यादा के स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ट्रेंड का देखें तो गाइस, ट्रेंड काफ़ी इसका असर ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ से नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ से एक्सिट हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हम लोग एक ट्रेड लिए हैं। तो गाइस, हम लोग इसमें 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो गाइस, 20-20 पॉइंट का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो गाइस, आप लोग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते तो आप लोग सीख सकते। जैसे इसमें आप लोग अपने पोजिशन पर क्लिक करना, इसके बाद ये दिख रहा है एड स्टॉप लॉस में ऐड करना, उसके बाद आप लोग जो प्राइस 41 चल रहा है उससे कम का आप लोग इसमें डालना है। तो अपन लोग डालेंगे 30 का स्टॉप लॉस डालेंगे, और इसके बाद सिंपली क्लोज कर दें। जैसे ही 30 रुपये के नीचे आएगा मार्केट, अपना जो लॉस है बुक हो जाएगा और अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो अभी मार्केट लगभग लगभग 42 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अपन लोग का ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट का स्ट्रेटजी साफ है, आप लोगों को जैसे कि बताया था, एक ट्रेंड लाइन देख लो, इस ट्रेंड लाइन से लगभग नीचे आएगा तो अपन लोग एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस लगा हुआ है और मार्केट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएगा तो अपना ये अपना टारगेट रखेंगे, ये अपना टारगेट है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो, अभी मार्केट काफ़ी नीचे आया था, बेरिश ट्रेंड चल रहा है आज निफ्टी, और निफ्टी काफ़ी गिरा हुआ है आज। और टाइम देख सकते हो, अभी टाइम 2:38 हो रहा है, तो काफ़ी मार्केट में। तो गाइस, आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए, जिससे आपके स्टॉप लॉस जल्दी हट जाए। स्टॉप लॉस सीधा एक ट्रेंड लाइन बना लो अपने हिसाब से, और ये मार्केट आप लोग मार्केट में खुल अपने स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग किया करो। जैसे मैं, मेरा माइंड सेट है कि मेरा लॉस हो जाए भी कोई बात नहीं, यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाता है तो मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। तो आप लोग मार्केट देखते रहो वीडियो को, मैं भी रॉन्ग मैं भी राइट गाइस, आप लोग देख लो क्या होता है। तो अभी कुछ प्रॉफिट में हूँ मैं, अभी लगभग लगभग 380 का प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने निफ्टी फिफ्टी के मार्केट को देखते हुए पुट बाय के हैं। आप लोग देख सकते हो मार्केट काफ़ी गिर रहा है, ठीक है, इसे आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी मार्केट में मोमेंटम आई है, ये गिर सकता है। और क्योंकि भाई अभी तो मार्केट गिर ही रहा है, आप लोग सपोर्ट को देखो तो लगभग देख सकते हो इसका सपोर्ट यहाँ पे है, ये इसका मोमेंटम बनाया हुआ है, यहाँ तक आ सकता है। आप लोग इसका एक मंथ का चार्ट देखो तो लगभग लगभग ये एक मंथ में लगभग एम पैटर्न बना रहे हैं। जी हाँ गाइस, एम पैटर्न, इसको गिरना ही पड़ेगा एम पैटर्न बनाने के लिए। तो अभी काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं आगे क्या होता है, तो या मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। तो मैं इसको 3 बजे तक होल्ड करके रखूँगा, इसके बाद मैं इसको सेल कर दूँगा, चाहे प्रॉफिट हो या घाट लॉस हो। तो अभी तो प्रॉफिट ही दिखा रहा है। तो देख सकते हो गाइस, मेरा स्टॉप लॉस 30 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रखा हूँ इसमें। इससे अगर मार्केट नीचे आता है तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट 30 रुपये आता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अपन लॉस लेके निकल जाएंगे यहाँ से। अगर मार्केट अपर जाएगा, यहाँ से अपना टारगेट रखा हूँ मैं, यहाँ तक मार्केट जाएगा तो
आप लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। ठीक है गाइस, अपन लोग छोट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हूँ मैं, छोटा स्टॉप लॉस रखो और प्रॉफिट बड़ा लेके जाओ, क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ बार बार प्रॉफिट बना नहीं सकते। इसका ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन ही है, यहाँ से अगर मार्केट अपर जाएगा तो अपन लोगों को अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो ठीक गाइस, मैं पोजीशन को जब पोजीशन आपको दिखा दूंगा, जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों कंडीशन में आपको मैं प्रॉफिट को दिखाऊंगा या लॉस होगा तो लॉस को दिखाऊंगा। तो गाइस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबा दो। तो ठीक गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, मैं थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट काफ़ी टाइम से अपना मूवमेंट है वो चेंज नहीं कर रहा है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था उससे मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रहा है, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है ना कि अपसाइड जा रहा है, एक ही कंडीशन में बना हुआ है मार्केट। तो आप लोगों को पोजीशन मैं दिखा देता हूँ, देख लो पोजीशन मेरा 320 310 200 ऐसा मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अपन लोग भले ही लॉस लेके निकलेंगे लेकिन छोटा प्रॉफिट नहीं चलेगा गाइस, छोटा लॉस चलेगा। तो आप लोग ट्रेंड लाइन में देखते रहो, थोड़ा देर में अपडेट करता हूँ आपको। तो गाइस काफ़ी मार्केट अब थोड़ा सा मोमेंट चेंज किया है, मार्केट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हो 560-570 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 48 पे अभी ट्रेड कर रहा है, काफ़ी बेरिश जा रहा है मार्केट। तो गाइस आज लगता है मार्केट का जो सपोर्ट है वो आ सकता है, यहाँ से निकल लेता हूँ गाइस, का क्यों मार्केट अभी गिर सकता है, इनकाउंट पर ऑलरेडी आ गया है मार्केट। तो गाइस मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा, जैसे मैंने टारगेट सेट कर दिया हूँ 53 रुपये पर। तो गाइस मैंने इसमें 800 का अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं यहाँ से निकल गया। तो थैंक फॉर वाचिंग, आप लोग भी ट्रेडिंग करते होते हैं ऐसी ही अपना ट्रेंड लाइन बना लो या एम पैटर्न बना है, इसमें मेरे लेने का रीज़न यही था कि यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है गाइस, यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है, ये बन ही जाएगा, और ये एम पैटर्न बनता है तो और मार्केट यहाँ से नीचे और आ सकता है। तो गाइस आपके लिए कल भी गुड अपॉर्चुनिटी है, इधर भी देख लो मार्केट अभी काफ़ी गिरने का मूड में है, यहाँ से गिर सकता है गाइस मार्केट। तो आप लोग भी इसमें कल भी ये मोमेंट अच्छा खासा मोमेंट देखिए, कल गिर सकता है, तो आप लोग भी इसमें कल एंट्री ले सकते हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन दबा दो।